हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं मनप्रीत। कैसे हो आप सब लोग? आप सबको तो पता ही है कि टीचर्स डे आने वाला है और मेरे माइंड में टीचर्स डे को लेके इतने सारे आइडियाज है ना, बट मैं सबकी वीडियो नहीं बना पाऊंगी। सिर्फ आपके साथ मैं आज शेयर करूंगी 5 टीचर्स डे गिफ्ट आइडियाज फॉर यू गाइज। यार ये कितनी ऑसम है यार। हमेशा की तरह ये वाले गिफ्ट आइडियाज भी सारे बजट में ही होने वाले हैं। आपको तो पता है मैं सारे बजट वाली चीजें ही शेयर करती हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। होप आज की जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल हो। आपको जो भी आइडिया अच्छा लगता है आप अपनी टीचर को गिफ्ट कर सकते हो, अपनी बेस्ट टीचर को, और इससे आपके अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। मस्त प्लान है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स गेट स्टार्टेड। सो किचन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे निकाल लिए 2 कोट्स के प्रिंट और उनको मैं उन्हीं की शेप में कट कर लूंगी। आप यहाँ पे स्केच पेन या मार्कर से भी कोट लिख सकते हैं। मेरे पास प्रिंटर अवेलेबल था तो मैंने प्रिंट निकाल लिया, और ये वाला प्रिंट मैंने नॉर्मल पेपर पे ही निकाला था। अगर आप मार्केट से निकलवाओगे ये सिर्फ आपको 10 रुपीज पर पेज पड़ेगा। और उसके बाद लिए मैंने कोई भी हार्ड वाली शीट और मैं अपने कोट्स को उसके ऊपर फेविस्टिक की हेल्प से स्टिक कर दूंगी। शीट आप कोई भी कलर की ले सकते हो अपनी चॉइस के हिसाब से। और पता है ये कीरिंग बनने के बाद बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये हैंडमेड है। और स्टिक करने के बाद अब मैं इन दोनों कोट्स को भी कट कर लूंगी। अब मैं लूंगी यहाँ पे सेलो टेप और अच्छे से इन कोट्स को कवर कर दूंगी। सेलो टेप लगाने से हमारे कोट्स पे एक शाइन भी आ जाएगी और साथ ही साथ ये वाटर प्रूफ भी हो जाएंगे। टीचर्स डे के गिफ्ट बनाते बनाते मुझे अपने वो दिन याद आ गए जब हम छोटे थे। तो हमारे स्कूल में क्या होता था कि जो टीचर्स डे वाले दिन जो टीचर्स है वो स्टूडेंट्स बनते थे और जो स्टूडेंट्स है वो टीचर बनते थे। क्या आपके स्कूल में भी ऐसा होता था? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जो हम टीचर बनते थे ना तो हम सारे क्लासेस में पढ़ाने जाते थे, तो बड़ा मज़ा आता था। चलो वापस आते हैं अपने कीचेन पे। यहाँ पे मैंने दोनों कोट्स पे पंच लगा दिया है ताकि मैं अपना जो कीरिंग है इसमें हैंग कर सकूँ। और हमारा कीचेन बनके रेडी है ना, सिंपल एंड इजी। और टीचर्स डे ही क्यों, किसी भी टाइम पे ये कीचेन बना के अपने फ्रेंड्स फैमिली या टीचर्स या मम्मी पापा किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो। हैंडमेड भी और ईजी भी और बजट में भी। पेपर गिफ्ट बॉक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है रेड कलर की शीट। साइज मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है, आप देख लेना। और मैंने यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर चारों तरफ से मार्क कर लिया है और सबको मैं फोल्ड कर दूंगी। फोल्ड करने के बाद चारों साइड्स पे जो स्क्वायर बने हैं मैं उन पे एक एक कट लगा दूंगी ताकि हम इन सबको स्टिक करके एक बॉक्स बना सकें। अब मैंने यहाँ पे चारों साइड पे कट लगा लिया है और ये देखो हम ऐसे फोल्ड कर देंगे और फेविकॉल की हेल्प से इन सबको हम स्टिक कर देंगे, तो ये हमारा बॉक्स बनके रेडी हो जाएगा। और अब हम बनाएंगे इसका ऊपर वाला पार्ट और उसको थोड़ा डेकोरेट करेंगे। और ऊपर वाला पार्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक और पेपर, 21 सेंटीमीटर का है। और अब हम मार्क करेंगे 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, देन 4 सेंटीमीटर एंड लास्ट 2 सेंटीमीटर, और एक्स्ट्रा पेपर हम कट कर लेंगे। और जहाँ जहाँ पे हमने मार्क किया है हम उसको फोल्ड कर देंगे और दोनों एंड्स को स्टिक कर देंगे और ये हमारा बॉक्स का कवर बन जाएगा। और अब मैंने इसको डेकोरेट कर लिया है कलरफुल पेपर से, और थोड़ी सी डेकोरेशन और कर लेते हैं। आप कैसे भी डेकोरेट कर सकते हो इसको अपनी मर्जी से।
प्लांटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है पारस के घी की डिब्बी। अब ये मत सोचने लग जाना कि मैं घी को प्रमोट कर रही हूँ, ये वेस्ट ही रखी हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसको रीयूज किया जाए। अब मैंने जो इसके ऊपर वाला पेपर है उसको रिमूव कर दिया है। अब हम करेंगे कलर स्पॉन्ज की हेल्प से, बट उससे पहले मैंने इस पे एक कोट दिया है जैसो का, ताकि जो हम कलर करेंगे ना वो खिल के आए इस पे। अगर आपके पास जैसो नहीं है तो आप वाइट एक्रेलिक पेंट भी लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने लिखा इसके ऊपर एक अच्छा सा कोट। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, आप इस पे कुछ ड्रॉ भी कर सकते हैं, या फिर सिंपल फ्लावर्स भी बना सकते हैं, या फिर स्टिकर्स भी लगा सकते हैं, जो भी आपको ईजी लगे। ये तो बहुत ही अच्छा टर्नड आउट हुआ है, बिल्कुल इजी भी है। इसको बनाने में मुझे सिर्फ 5 ही मिनट लगे हैं। सो इसकी जगह आप एक कॉफी की बॉटल भी ले सकते हो ट्रांसपेरेंट, उसे तो कलर करने की भी जरूरत नहीं है, और उसमें आप मनी प्लांट भी रख सकते हो। देखना आपकी टीचर को बहुत पसंद आएगा अगर आप वो भी दोगे। बट मेरे पास कोई ऐसी ग्लास की बॉटल नहीं थी, तो ये प्लास्टिक वाली थी, तो मैंने इसी को रिक्रिएट कर दिया। सो ग्रीटिंग कार्ड बनाने के लिए तो मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो को देखो, म्यूज़िक के साथ एंजॉय करो। अगर आप इनमें से कोई भी आइडिया को रिक्रिएट करोगे तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर मेंशन कर देना, ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। कोई सेंसेस बात? सो हैप्पी टीचर्स डे इन एडवांस, मिलती हूँ मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।